नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। में राजसमंद जिले के नाथूद्वारा शहर में हूं और नाथूद्वारा शहर में नाथूद्वास तालाब को लेकर लंबे समय से विरोध हो रहा है। कई लोग शिकायतें कर रहे हैं, कोई मामले न्यायालय में भी विचाराधीन है। और इस बीच यहाँ पर मुख्य रूप से अभी जो देखा जा रहा है, यहाँ पर पाल का जो पानी है इस बार बाहर निकल आया है और इसके चलते कई जो बताए जा रहे हैं कथित तौर पर अवैध कब्जे थे वो इस पानी में डूब गए हैं। मेरे पीछे ये सड़क है, मुख्य रोड है, पीछे की तरफ माहेश्वरी भवन है और मीरा होटल है। मुख्य रूप से नाथूवास तालाब की पाल को क्रॉस करने वाली ये सड़क हैं जो लंबे समय से पानी में अब डूब चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गंदगी भी अटी हुई है। हालांकि नगर पालिका नाथूद्वारा द्वारा करीब 19 करोड़ का एक टेंडर निकाला है इस तालाब की सफाई को लेकर, इस सौंदर्यीकरण को लेकर, लेकिन वो सौंदर्यीकरण और सफाई का काम अभी अटका पड़ा है या मंथर गति से चल रहा है, जिसके चलते करोड़ों रुपये की जो परियोजना है वह धरी की धरी हैं और शहर में प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण के चलते न सिर्फ शहरवासियों में, शहर के लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा है, बल्कि आम जन के लिए भी एक बड़ी मुसीबत भरा है। यहां ख़ास तौर से आपको बता दें कि उदयपुर की तरफ से नाथूद्वारा शहर में एंट्री करने का एक ही ये रास्ता भी है। ऐसे में गुजरात और उदयपुर क्षेत्र से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी ये मुसीबत भरा है, जहाँ पर यहाँ आते ही जैसे ही पानी भरा होने की वजह से वो वापस यहाँ से रिटर्न होना पड़ता है। ऐसे कई यात्री भी परेशान हो रहे हैं और ये परेशानी आम लोगों को भी हो रही है। लंबे समय से इसको लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय सिविल कोर्ट द्वारा भी हालांकि ये जो पानी खाली करने के लिए निर्देश भी दिए थे, हाई कोर्ट के निर्देश भी हुए, लेकिन स्थानीय लोगों की का कहना है कि कतिपय लोगों द्वारा जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है उसे पहले प्रशासन हटाए, उसके बाद ही इस तालाब की को व्यवस्थित किया जा सकता है। फिलहाल न तो नगर पालिका कोई ठोस कदम उठा पा रही है, न जल संसाधन विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर रही है और इसका खामियाजा शहर के साथ ही टूरिस्ट को भी भुगतना पड़ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा शहर और यहाँ के कॉलोनी वासियों से भी बातचीत करें, नाथूवास गांव के लोगों से भी बातचीत करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों ये तालाब में इतना पानी भरा हुआ है, क्यों ये रोड पर सब पानी भरा हुआ है। हालांकि इस तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो सड़क है ये तालाब अभी भरा हुआ है। यहाँ पर रोड पे पानी आना मतलब ही यह है कि तालाब पेटे में यह सड़क बनी है, तो ये निर्माण, ये सड़क निर्माण भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं नगर पालिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है कि जब ये तालाब पेटा था तो नगर पालिका द्वारा यहाँ किस आधार पर सड़क का निर्माण किया गया, यह भी एक सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ कई कंस्ट्रक्शन भी हो रखे हैं, दूसरी तरफ ये दीवार बनी हुई है पक्के, यहाँ कुछ कब्जे भी थे लेकिन अब पानी भरने की वजह से ये पानी के अंदर आ गए हैं। इसी तरह आगे कॉटेज हैं, जो आश्रम बना हुआ है वो आश्रम भी, उसका जो प्रथम तल है वो पूर्ण रूप से पानी में डूब चुका है। और दूसरी तरफ इसी के पीछे की तरफ अगर बात करें तो हाईवे से दूसरे छोर पर कुछ मकान बने हैं नए, वो भी इस पानी के पेटे में, पानी की वजह से उनमें भर चुका है, लोग उनमें रह नहीं पा रहे हैं। यह समस्या लंबे समय से चल रही है लेकिन न तो नगर पालिका इसको और कोई विशेष ध्यान दे पा रही है और न ही जल संसाधन विभाग। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद क्षेत्रीय लोगों ने भी इसकी शिकायतें की और शिकायतों के बाद नाथूद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस तालाब का अवलोकन भी किया। अवलोकन के बाद इस समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन अब धरातल पर कब उतरता है, हमारा प्रयास रहेगा कि विधायक से भी बात करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।